जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज सीआरपीएफ जवान नरेश ने खुद को गोली मार ली। लेकिन इसके पहले उसने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटी को अपने ही घर में 18 घंटे के लिए बंधक बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। आखिर में उसने 4 अफसरों के सामने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मामला जोधपुर के पालड़ी खिचियान स्थित सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का है, जहां बताया जा रहा है कि नरेश जाट का छुट्टी को लेकर डीआईजी भूपेंद्र से विवाद हो गया था। नरेश को समझाने के लिए देर रात उसके परिजनों को पाली से बुलाया गया। जवान ने सीआरपीएफ के आईजी के सामने ही सरेंडर करने की शर्त रखी थी। आईजी उससे बातचीत करने पहुंचे भी लेकिन बातचीत के बाद उसने आईजी के सामने ही खुद को गोली मार ली। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कहा कि यह जांच का विषय है कि उसने किस कारण से खुद को मारा था और किस कारण से वह नाराज था। सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल है नरेश, जिन्होंने कल से राइफल लेकर के और कार्टिज लेकर के अपने घर में कैद था और अपने बीवी बच्चे बीवी और छोटी डॉटर के साथ में था और कुछ उसने हवाई फायर भी किए थे, आज सुबह उसने अपने आप को गोली मार ली। उसकी फैमिली भी तो सेफ है, उसकी बच्ची है 7-8 साल की वो सेफ है, उसकी वाइफ है वो सेफ है। बता दें कि नरेश के पास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम 5.56 यानी लाइट मशीन गन है। नरेश ने इस मशीन गन से कई राउंड हवाई फायरिंग किए। मौकाए वारदात पर मौजूद जवानों के मुताबिक नरेश छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था। इसे लेकर रविवार को रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी भूपेंद्र सिंह से उसकी बहस भी हो गई थी। बात बड़ी और फिर डीआईजी ने नरेश को बर्खास्त करने की धमकी तक दे दी। इससे गुस्साए जवान ने एक अन्य जवान पर हमला कर दिया और उसका हाथ काट दिया। इससे जवान घायल हो गया, गुस्से में क्वार्टर के अंदर चला गया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया गया और बाहर नहीं आया। पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन पास जाने की कोशिश की। जब जवान ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया तब घर के अंदर उसकी पत्नी और 6 साल की बच्ची भी थी। इसके बाद जवान ने लाइट मशीन गन से गैलरी में आकर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पास जाने की कोशिश की लेकिन LMG के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में पुलिस लाउडस्पीकर से ही अनाउंस कर जवान को समझाने का प्रयास कर रही थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कमांडो भी साथ आए लेकिन नरेश जाट तक नहीं पहुंच पाए। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।